तुम यहाँ पर ऊपर बेड पर सो जाना, हम नीचे सो जाएंगे। आप नीचे क्यों सोएंगे? घर आपका है, हम सो जाएंगे नीचे। गौरी, जिंदगी बिताना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम इस मजबूरी की शादी में फंस गए हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे गौरी, कभी नहीं। आज के लिए माफी। माफी? वो युग के सामने तुम्हें अपनी पत्नी कहा, उसके लिए। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक उंगली ना, ऐसा लगता है मानो मेरी तरफ उठ रही हो। जब भी तुम्हें तकलीफ में देखता हूं तो तकलीफ मुझे भी होने लगती है गौरी। यूं मानो कि ऐसा लगता है कि सदियों से मेरे इस दिल पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस दिल में आज तक कोई नहीं आया। लेकिन अब लगता है कि वो ताला टूट सा गया है और कोई तो है जो इस दिल को पसंद आने लगा है। गौरी, मैं ये दुनिया जीतना चाहता हूं सिर्फ तुम्हारे कदमों में रखने के लिए। मेरा मतलब है तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा, है ना? अब इसके अलावा मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। गंगा दीदी पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, हमें उनकी चिंता सता रही है। हमें माफ करना गंगा, जिस दर्द से तुम गुजर रही हो तो उसे बयां भी नहीं कर सकता। पर तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें हमारा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तुम्हें तुम्हारा प्यार मंगल जरूर दिलवाएंगे, उससे जरूर मिलवाएंगे तुम। आप हमारा प्यार क्या दिलवाएंगे? आप तो खुद अपने असफल प्यार के लिए हमें यहाँ लेकर आए, जिससे गौरी को ये पता चल जाए कि आप भी इस अमीर खानदान के बेटे हैं। और वैसे भी आपको तो उसके साथ रहना है ना, फंसे तो हम हैं यहाँ आकर। आप बनिए, आराम से बनिए इस अमीर खानदान के बेटे, हम हमारा खुद देख लेंगे। और हाँ, आपको हमारे दुखों की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शादी के दलदल में हम आपकी वजह से नहीं, अपनी बहन की वजह से फंसे। तो आप हमसे यूं बार बार माफ़ी मांगना बंद करिए। अरे सिद्धि, तुम यहाँ कैसे? बताते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, अभी आग लग जाती। वो हम कुछ सोच रहे थे। तुम्हें हमारे ससुराल का पता कैसे मिला? वो दरअसल हम आगरा से बनारस माया मिष्ठान भंडार की मिठाइयों का ऑर्डर डिलीवर करने आए थे, तो सोचा क्यों ना अपनी दोस्त गौरी के गाँव फुलवरिया होकर उससे मिलते हुए चले। मगर वहां जाके पता चला कि तुम्हारी बहुत बड़े घर में शादी हो गई है, और हमने सोचा बहुत बड़े घर में शादी हुई है तो तुम बहुत खुश होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। क्या हुआ हमारे रूप को? हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, देखो। अच्छा, बहुत खुश हो तो फिर तो मुंह मीठा करना बनता है। भाई तुम्हारी शादी हुई है और हम आगरा से तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खुद बना कर लाए। ये तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी जुबान हमेशा से ही आगरा की मशहूर माया स्वीट्स की मिठाइयों के गुलाम है। तो फिर और खाओ। बचाओ सिद्धि, हमें बचाओ सिद्धि, सिद्धि हमें बचाओ, सिद्धि सिद्धि हमें बचाओ, बचाओ। चुनकी क्या कर रही हो तुम? देखो ना दीदी, हमने इसका हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन अचानक हमारा हाथ छोड़ा और हमें धक्का देकर यहाँ भाग आई। अरे माया, तुम भी यहाँ आते कैसे रही? चाहे सिद्धि हाँ माया, क्योंकि जो सिद्धि का है वो माया का भी है। हाय, कितना अपनापन और प्यार है तुम दोनों के बीच, नजर ना लगे। बिल्कुल वैसा ही अपनापन और प्यार जो तुम्हारे और तुम्हारे गंगा दीदी के बीच में है। हाँ। अच्छा माया, तुम एक काम करो, झुमके के साथ जाके गाड़ी में बैठो और रेडियो पे नए नए गाने सुनना। हम 2 मिनट में आए। ठीक है। अब सिद्धि ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। बेटा कौन सा गाना सुनोगी? कितनी भोली है ना माया, तुम्हारी सारी बातें मानती है, तुम पर कितनी डिपेंडेंट है। तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा इसका? होना क्या है, हम ध्यान रखेंगे ना उसका उम्र भर। और अगर ससुराल वाले नहीं माने तो? गौरी, जिंदगी भर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है हमने माया की, तो जिंदगी भर निभाएंगे भी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हम कर लेंगे। पर सिद्धि, ससुराल में आने के बाद सब कुछ इतना आसान नहीं होता। गौरी, आसान तो चांद पे जाना भी नहीं था, लेकिन इंसान ने करके दिखाया ना। और आसान तो अचानक से हुई शादी को निभाना भी नहीं होता, लेकिन तुमने करके दिखाया तो हम भी कर लेंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें मनचाहा पति मिले जो तुम्हें माया की जिम्मेदारी उठाने की भी इजाजत दे। बस, तो फिर टेंशन किस बात की? चलो अब हम चलते हैं, आगरा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ख्याल रखना। हाँ, ध्यान रखना। हाँ। हे भोलेनाथ, आपने जैसे अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखा है, वैसे ही हमारी सहेली सिद्धि और माया पर भी बनाए रखना। इन लोगों ने तो हमें नौकरानी बना के रखा है, घर का सारा काम कोलू के बैल की तरह हमसे करवाते हैं। और तो और ये युग गंगा के आने से हमसे हमारा कमरा तक छिन गया। हर रोज हमें मेहमानों के कमरे में सोना पड़ता है और वहाँ मच्छर हमसे तालियां बजवाते हैं। सो अलग छीन लो बेटा हमसे हमारा कमरा, एक दिन तुम लोग से हम भी सारी जायदाद छीन लेंगे, देख लेना। अब हमको हंसना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये उदास चेहरा देख के सब लोग सोचेंगे कि हम शकुंतला दीदी की टीम में हैं। आइए, मुंह दिखाई का रस्म शुरू करते हैं। आप लोग ना एक एक करके आ जाइए। हाँ, रुको। खाए की रस्म से पहले आप हमारी बहुओं की औकात नहीं देखना चाहते? क्यों गर्व? बताओ मेहमानों को इनके घर से क्या आया? क्या है ना, ये रिवाज होता है, बहू अपने मायके से भेंट लाती है सारे मेहमानों के लिए। यहाँ तो थाल खाली पड़ी है, ये क्या? क्या है ना, अगर ये रस्म नहीं होगी तो बाकी कोई दूसरी रस्म भी नहीं होगी। क्यों गौरी, कुछ तो बोलो। कुछ लाएंगे तुम्हारे माँ बाप या हाथ हिलाते हुए आ जाएंगे? सोचा होगा आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, निकल लेंगे। क्यों, लेना आता है, देना नहीं आता? शकुंतला, अरे हम सच कह रहे हैं भाई, रिवाज है। क्यों? हाँ भैया, रिवाज तो होता ही है। बहुत मेहनत से हमने इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाई है, अब इनके वजह से हमारी नाक कटेगी? बिंदा, तुमने गौरी के माता पिता को बताया नहीं था? घर का सारा काम तो हमारे ही माथे पे है ना, हम भूल गए। हमें बेइज्जत करने के लिए इस मुंह दिखाई की रस्म में बुलाया है क्या? अगर ऐसा ही है ना, ये लीजिए। ये नोटों की गड्डी अपने जेब में रखो। ये बात अगर पैसों की होती ना तो इससे दुगने पैसे रख सकते हैं हम। पर बात तो रिवाजों की है, पैसों की थोड़ी ना है। अगर बहू के घर से शगुन नहीं आएगा तो अपशगुन हो जाएगा। क्यों, क्या करें? सारे लोगों के सामने बेइज्जती करा दी। एक काम करो, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए जितने मेहमान आए हैं यहाँ पर, सबके पैर छुओ और माफी मांगो। तुम्हारे फकीर बाप ने कुछ और दिया हो ना दिया हो, संस्कार तो दिए हैं ना। चलो उठो। उठो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? पल्लू के नीचे से तुम्हारी चालाक आंखें देख सकते हैं हम, खा जाओगी। अगर समझदार होकर लोगों को इस तरह जलील किया जाता है तो हम गवार ही अच्छे हैं। और हम मानते हैं कि हमें रीति रिवाज नहीं पता। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हारे बाप को तो पता है। क्यों उसे भी रीति रिवाज नहीं पता? या पता है और करना नहीं चाहता, या करना चाहता है और उसकी हैसियत नहीं। अगर हैसियत नहीं थी तो हमसे भीख मांग लेते, दे देते थोड़ा कुछ। अपनी बेटियों की इज्जत तो देखी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोच लेते। अब खड़ी क्या हो, तुम जाओ यहां से। अब इसकी वजह से हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। क्या है ना, ये गवार लोग हैं, बुद्धि है नहीं, हैसियत है नहीं तोहफे देने की। लेना आता है, ले लेते सब, देना नहीं आता है। चलो निकलो यहां से। बहरी हो क्या? निकलो निकलो। शकुंतला बस। बहुत बेइज्जती सहेली तुम्हारी वजह से। निकलो यहाँ से। अपने बाप को बोलो यहाँ पर आए और अपने बाप को लेकर आओ। जाओ। गौरी, बेटा तू ठीक है ना? जी बाबूजी, हम ठीक हैं। ठीक हैं? ठीक नहीं होंगे तो और क्या होंगे? गर्मियों में सड़ने वाले एसी की हवा खा रहे हैं। दो रोटी नसीब नहीं होती जिनको, अपने मन पसंद का खाना खा रहे हैं। झोपड़े में रहने वाले महलों में रह रहे हैं तो ठीक नहीं होंगे? हमें लगा नहीं था बाबूजी आप यहाँ आएंगे। बेटा, बेटा मुंह दिखाई की रस्म है तुम दोनों की, तो कैसे नहीं आते भला? मालकिन, हम मुंह दिखाई के लिए शगुन लाए हैं। बहुत जल्दी आ गए। शकुंतला जी, बहुत गरीब परिवार में रिश्ता जोड़ा है आपने अपने बेटे का। बड़े ही बेगैरतिन के माता पिता शगुन में बस एक ही बेटियों की मुंह दिखाई की रस्म में खा लिया था। बस एक थाल शगुन। मालकिन, हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं है। हमें रस्म और रिवाज दोनों निभाने आते हैं। मेहमानों के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, माफ कर दीजिए। हम इतनी देर हुई है तो कुछ कमाल का बनाया होगा। बिंदा जरा देखना तो। ये बनाया है रुमाल। इस रुमाल से हमारे मेहमान अपने जूते तक ना पूछें। अरे रे नहीं शकुंतला जी, वाकई में रुमाल बहुत सुंदर है। अरे शकुंतला जी, ये तो रुमाल नहीं कमाल है। बनारसी कपड़े का रुमाल हमने आज पहली बार देखी है। वाह शकुंतला जी, आपको तो मानना पड़ेगा, इन तोहफों ने तो आपका मान रख लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं, जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जाए। आइए आइए आप आओ। देखिए मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई, लेकिन अभी एक और रस्म बाकी है जो है डांस करने की रस्म। तो आइए अपनी कमर मटकाइए और डांस करके दिखाइए। मैं अभी सॉन्ग लगा दूँ। ये भूखी शेरनी मुझे देख के मुंह क्यों बना रही है? ओह, इन्हें नचवाने के लिए कह रही है, मतलब शाम आए इनकी। मेरी 20,000 की साड़ी खराब कर दिया इस जाहिल गवार ने। बीस हजार की साड़ी हमारे मेहमान की खराब कर दी। रईसों के घर में अपनी बेटी ब्याहने से पहले रईसों में उठना बैठना तो सीख लेते। माफ कर दीजिए मालकिन, गलती हो गई हमसे। नहीं नहीं, गलती हमारी हुई है जो तुम जैसे भिखमंगों को घर में अंदर आने दिया। मालकिन, हम बता रहे हमारा शायद पैर फिसल गया, इसलिए माफ कर दीजिए हमें। 20,000 कभी इकट्ठा देखे भी हैं? बस कीजिए, बस कीजिए। आपने पैसा भले ही कमा लिया, पर इंसानियत के मामले में आप अब भी गरीब हैं। असली गरीब आप हैं, समझी? बीस हजार की साड़ी दिख गई आपको, पर इनके पाँव का घाव नहीं दिखा। साड़ी चाहे 20,000 की हो या 20 लाख की, पर किसी की इज्जत से ज्यादा कीमत नहीं होती उसकी। बीस हजार की साड़ी तो धुलकर साफ हो जाएगी, पर अफसोस आपकी सोच की गंदगी धुलकर भी साफ नहीं हो सकती। और ये मत सोचिए कि बेसहारा लोग हैं, इनके पास भी जवाब देने वाला एक बेटा है, और वो बेटा हम हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। आ गया दिखावा करने। आप चिंता मत कीजिए, आज से आपका एक नहीं 2 बेटे हैं। और दूसरा बेटा मैं हूं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.